चमत्कारी बहू की लालची सास। राजगढ़ की गौरी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। गौरी के पिता मेहनत कश किसान थे, वो सारा दिन खेतों में काम करते। गौरी अपनी माँ का किचन में हाथ बटाती, वो जंगल से लकड़ियाँ बिनती और माँ के चूल्हे में मदद करती। एक दिन वो जंगल में लकड़ी बिनने गई थी कि तभी उसे रोने की आवाज आती है। अरे यहाँ कौन रो रहा है? इस जंगल में भला किसी के रोने की आवाज? जरूर कोई जंगल में फंस गया होगा। वो देखती है तो उसे एक परी दिखाई देती है जिसका एक पंख टूटा होता है। अरे तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं परी लोक की रानी हूँ, पृथ्वी लोक में घूमने आई थी, लेकिन देखो ना मेरे पंख ही टूट गए, अब मैं कैसे उड़ान भरूंगी। अरे इसे जोड़ना तो आसान है, रुको मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये कहकर गौरी लकड़ी और रस्सी की सहायता से पंखों को जोड़ देती है। परी अपने जुड़े हुए पंखों को देखकर खुश हो जाती है और गौरी को वरदान देती है कि वो पूर्णिमा की रात किसी भी चीज को हाथ लगाएगी तो वो सोने की हो जाएगी। लेकिन गलती से अगर उसने किसी इंसान को छू लिया तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। गौरी घर आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। गौरी की माँ उसे कहती है, तू भी ना गौरी, सारा दिन परियों की कहानियाँ पढ़कर स्वप्न लोक में ही रहती है। नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखो आज पूर्णिमा की रात है ना, इसलिए डर के मारे मैं कोई सामान भी नहीं छू रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है बिटिया रानी, तो जरा इस घड़े को हाथ लगा दे। गौरी घड़े को जैसी ही हाथ लगाती है वो सोने का हो जाता है। गौरी के माता पिता घड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन गौरी के पिता उस घड़े को सुनार के पास बेचने जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कंचा काकी मिलती है। वो सोने का घड़ा देखकर गौरी के पिता से पूछती है, अरे गौरी के बापू ये पीतल तो बड़ा चमक रहा है। अरे काकी ये पीतल नहीं सोना है, सोना बेचने ले जा रहा हूँ। अरे कहीं कोई लॉटरी लग गई है क्या, इतना सोना? गौरी के पिता काकी को गौरी को परी द्वारा दिए वरदान के बारे में बताते हैं। काकी गौरी के पिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और फिर अगले दिन काकी गौरी के घर आती हैं। गौरी के बापू तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी लाई हूँ। तभी गौरी की माँ पूछती है, क्या खुशखबरी है काकी? अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता मैं अपने बेटे से करना चाहती हूँ। अरे कब तक अपनी सयानी लड़की को घर पर बिठा कर रखोगी? हाँ देखो काकी, मैं ऐसे ही व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी कराऊंगा जो गौरी के वरदान से नहीं उसके गुणों को समझे। अरे हमें तो गौरी के गुण अच्छे लगे, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं। फिर गौरी के माँ बाप मान जाते हैं और उसकी शादी काकी के बेटे से हो जाती है। अगले दिन, अरे गौरी कल पूर्णिमा की रात है, तुम्हारे पिताजी परी के वरदान के बारे में बता रहे थे, तो मैं ना कुछ चीजें रख दूंगी, जरा हाथ लगा देना। तभी गौरी का पति वहां आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ क्या जरूरत है गौरी के वरदान को इस्तेमाल करने की, वैसे भी मेरी मेहनत से घर तो चल ही रहा है ना। और गौरी के पिता ने भी यही कहा था कि वो ऐसे ही व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी करेंगे जो गौरी के वरदान से नहीं उसके गुणों को समझे। अरे बस कर किताबी बातें, तेरे लिए क्या लड़कियों की कमी थी जो मैं ये किसान की बेटी घर ले आती। और सुन गौरी, कल अगर तूने सारी चीजों को सोने का नहीं किया तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? इतना कहकर गौरी की सास वहां से चली जाती है। अगली पूर्णिमा की रात गौरी की सास गौरी के सामने ढेर सारे बर्तन रख देती है और कहती है, जल्दी कर गौरी रात खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी इन सारे बर्तनों को हाथ लगाकर सोने का कर दे। गौरी करती भी तो क्या, वो जैसे ही एक छोटे से बर्तन को छूने वाली होती है कि उसकी सास भड़क जाती है। क्या मजाक बना रखा है, इतने छोटे से बर्तन में क्या होगा, ये ले ये बड़ा वाला बर्तन। जैसे ही बड़ा सा बर्तन लेकर गौरी की सास उसकी तरफ बढ़ती है वैसे ही बर्तन के बाहर से वो धड़ाम से गिर जाती है। सास को गिरा देख गौरी उन्हें संभालने दौड़ती है और वो सास को हाथ लगाकर कहती है, अरे सासू माँ क्या हो गया आपको, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लेकिन जैसे ही वो हाथ सास से हटाती है तो देखती है कि उसकी सास सोने की हो गई है।
गौरी सोनी की सास को देखकर रोने लगती है और अपने पति से कहती है, मुझे परी ने कहा था कि अगर मैं किसी इंसान को हाथ लगाती हूँ तो वो अगली पूर्णिमा तक सोने का ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है, माँ को उठाकर अलमारी में रख दो। और हाँ, लालच का फल बुरा ही होता है। ज्यादा बड़े बर्तन को सोने का बनाने के चक्कर में माँ का ये हाल हुआ है। ये कहकर वो दोनों माँ की तरफ देखने लगते हैं। घुंघराले बाल। राइना बचपन से ही खूब सुंदर थी। उसके लंबे लंबे घुंघराले बाल से हमेशा उसका चेहरा ढका रहता। आरा भूत ने बनकर घूमती रहती है, चल तेरे बाल कटवा दूं। अच्छा क्यों भला? स्कूल में तो सारा वक्त बांधकर घूमना पड़ता था, अब तो मैं कॉलेज जाऊंगी और बाल खोल कर घूमूंगी। हाँ। अरे ये बाल देख रही है, ऐसे लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। खैर, घने घने घुंघराले बालों से राइना सुंदर तो लगती, लेकिन उसे संभालना उसके लिए बड़ा काम था। माँ, अरे माँ शैम्पू खत्म हो गया है, इस बार वो वाला लाना ना जो घुंघराले बालों को और बाउंसी बनाता है। माँ ले आना हाँ जरूर से, कल मेरा कॉलेज का पहला दिन है, मैं चाहती हूँ सब मुझे देखकर जले। अगले दिन राइना कॉलेज पहुँचती है, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे लगता है चाउमीन में सोया सॉस कुछ ज्यादा ही गिर गया। अरे मुझे तो चेहरा दिख ही नहीं रहा। लड़कियाँ भी राइना का मजाक उड़ाती है। अरे यार ये कंगना की कॉपी करके कौन आया है? लोकल कंगना और कौन? राइना को सभी पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। स्कूल में तो बाल बंधे ही रहते थे, लेकिन कॉलेज में? राइना एक लड़की से कहती है, हाय मेरा नाम राइना है, मुझे आर्ट्स डिपार्टमेंट में जाना है, कहाँ से है रास्ता? अपने बाल हटा कर देखो, सामने ही बोर्ड लगा है। राइना को कॉलेज में भी दोस्त बनाने में दिक्कत आ रही थी। वो रोते रोते घर आ जाती है। माँ मैं क्या करूँ, आज तो सारे दिन लोगों ने न जाने क्या क्या बोलकर मेरा मजाक ही बना कर रख दिया। माँ प्लीज कुछ करो ना मेरे बालों का। मैंने तो पहले ही कहा था कटा दे, पर तू? अरे कटाने से क्या होगा, उल्टा जो थोड़े बांध कर ये इन्हें समेट सकती है ना, वो भी नहीं कर पाएगी। तो क्या मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, या मैं हमेशा लोगों के मजाक का ही शिकार होती रहूंगी? राइना जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसका छोटा भाई आ जाता है और राइना के बालों के बीच एक पेंसिल छुपा देता है। तभी उसका दोस्त भी पीछे से आ जाता है। अरे ढूंढो ढूंढो कहाँ है पेंसिल, मैं नहीं बताऊंगा। दोस्त काफी कोशिश करता है लेकिन उसे पेंसिल नहीं मिलती, वो वहाँ से चला जाता है। थैंक्स दी, आज आपके बालों ने तो मुझे बचा ही लिया। अच्छा बहुत दिनों के बाद बालों को लेकर कुछ अच्छा सुनने को मिला। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे बाल सबसे सुंदर है, लेकिन अब पता चला। अरे क्या पता चला, क्या हो गया? देख किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं, या तो तुम बालों से ही लोगों का मन जीतो या फिर रोते रहो। अब ऐसे घने बाल तो तुम्हें भगवान ने दिए हैं। राइना को पिता की बात समझ में आ जाती है। वो सोच लेती है कि जिन बालों के कारण वो कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं बना पा रही है, उन्हीं बालों से वो दोस्तों की लाइन लगवा देगी। अगले दिन कॉलेज में डेस्क में राइना बालों को आगे कर लेती है और लोगों को लगता है कि राइना का चेहरा पीछे है, लेकिन राइना घने घुंघराले बालों को हटाकर हंसने लगती है। देखा मेरे बालों का कमाल, इससे मेरा चेहरा भी नहीं दिखता और मैं चलती क्लास में सो भी सकती हूँ। सभी राइना को देखकर हंसने लगते हैं। क्लास में परीक्षा चल रही होती है तो राइना अपने बालों में चीटिंग के पेपर छुपा छुपा कर आसपास के बच्चों की मदद भी कर देती है, जिसके बाद से तो राइना क्लास की हीरोइन बन जाती है। वाह राइना, तेरे बाल तो बहुत कमाल के हैं, मैं तो इन्हीं के कारण पास हो गई। और पता है मैं तो अपने काम का सामान राइना के बालों के बीच में ही फंसा देती हूँ, जैसे जैसे काम होता है वैसे वैसे इस्तेमाल करती हूँ। अब तो क्लास में हर कोई राइना के साथ बैठने की जिद करता। राइना में इसे लेकर घमंड आ जाता है, उसे लगता है कि वही क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की है। फिर एक दिन, मैं इस कॉलेज में नई नई आई हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मैं?
सॉरी, मैं इस क्लास की सबसे डिमांडिंग लड़की हूँ। हर कोई मेरे साथ ही रहना चाहता है। एक काम करो ना, वो पीछे की सीट दिख रही है, जाओ जाकर वहीं बैठ जाओ। लड़की को रायना की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो करती भी तो क्या, जाकर चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ जाती है। तो आज का लेसन सबने याद किया है ना बराबर से? जितनी भी चीटिंग करने वाली लड़कियां थी, वो रायना के पीछे जाकर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाती है, जी मैम सब कुछ याद है, कहीं से भी पूछ लो, हम तो मास्टर है मास्टर, क्यों? ये बोलकर वो रायना के कंधे पर हाथ रख देती है। रायना भी खुश होती है कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़कियों का ग्रुप उसका दोस्त है। पीछे बैठी वो लड़की देखती है कि कैसे मैडम के सवाल लड़कियां रायना के सर को देख कर दे रही है। शाबाश, मुझे खुशी है कि तुम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई करने लगी हो। मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम लोगों की स्कॉलरशिप की बात करूंगी, जिससे तुम लोगों के माता पिता का पैसा जो फीस में लग रहा है वो बच जाए। सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। टीचर के जाने के बाद एक लड़की कहती है, गर्ल्स अब हम लोग ना सिर्फ सबसे स्मार्ट बल्कि सबसे इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। इसी बात पर आने वाले संडे को मेरे घर पर पार्टी, सबको आना है, ओके? सभी लड़कियां पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाती हैं। रायना भी, माँ मेरे कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की ने पार्टी रखी है संडे को, मैं भी वहाँ सबसे अच्छी दिखना चाहती हूँ, लेकिन ये बाल। घुंघराले बालों का तो कर भी क्या सकती है। तभी उन लोगों की नजर पार्लर के एक इश्तियार पर पड़ती है जो 3,000 रुपए में बाल स्ट्रेट कर रहा था। माँ मुझे पैसे देना, मैं बाल सीधे करवा कर आती हूँ, संडे को पार्टी में सबसे अच्छी लगूंगी। बस फिर क्या था, अपने घुंघराले बालों को रायना पार्लर जाकर स्ट्रेट यानी कि सीधा करवा लेती है। और फिर पार्टी वाले दिन, हाय गर्ल्स कैसी लग रही हूँ मैं? ओह नो शिट, ये क्या करवा लिया बालों का हाल? और जिसके घर पार्टी थी वो लड़की, अरे ये क्या करवा लिया, तुम्हें मालूम नहीं है जिस बालों में चीटिंग रखकर हम लोग टीचर के अगर इम्प्रेशन जमाते थे उन बालों को तुमने? अरे हमें तो स्कॉलरशिप भी मिलने वाला था, अब तुमने बाल सीधे करवा लिए, अब तुम हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं हो। अरे लेकिन हम दोस्त तो है ना, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हमें तेरे अच्छे और बुरे लगने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को तेरे बालों से फायदा था, अब वो नहीं है तो हम तेरे दोस्त भी नहीं है। जाकर बाल वापस घुंघराले करके आ, तभी तुम लोगों की दोस्त बन सकती है। रायना रोते रोते घर आती है और माँ को सारी बात बता देती है। माँ ला पैसे दे, मैं बाजार जाकर बाल ठीक करा के आती हूँ, लेकिन माँ मुझे ये बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, काश ये बाल मैं पहले ही सीधे करवा लेती। देख बेटा, पैसे तो मैं तुझे दे दूँ, लेकिन वैसे बाल करके तू फिर ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ मतलब के लिए जुड़े हैं, लेकिन इन बालों में तू ऐसे दोस्त बनाएगी जो तेरे साथ जीवन भर का साथ निभाएंगे। रायना को माँ की बात समझ में आ जाती है।